नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि 10वीं क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा। तो आज के पेपर में जो प्रश्न आए हैं, सारे प्रश्न के उत्तर मैं बता रहा हूँ। कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश विषय हिंदी, पूरा पेपर छप गया है जो मैंने बताया था। देखिएगा, आपको एक एक प्रश्न के उत्तर में बताने वाला हूँ सारा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सही विकल्प, रीतिकाल के कवि थे तो इसमें भूषण आएगा, तुलसीदास की रचना है तो विनय पत्रिका आएगा, विनय पत्रिका। और 10वें रस का नाम है, 10वें रस का नाम क्या है तो आपको वात्सल्य रस बताना है। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे तो कबीर को साहब मानते थे, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। वे धीरे धीरे चला, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बालक तारकेश्वरनाथ उसके पिता को टीका लगाते थे तो भभूत का टीका लगाते थे, भभूत का टीका लगाते थे। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद रिक्त स्थान आपने क्या करा देखते हैं। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की पंक्ति मात्रा होती है 16-16 मात्रा। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार का नाम मोतीलाल था। संधि के भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा। इसके बाद में नेक्स्ट ध्यान रखना है कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद। मानवीय क्रियाओं का आरोप तो इसमें मानवीकरण अलंकार। गद्य की प्रमुख विधाएं तो इसमें आपको याद रखना है रेखा चित्र आएगा, ठीक है। और लखनवी अंदाज, तो लखनवी अंदाज क्या है तो इसमें आपको निबंध बता देना है, ठीक है। अंधे की लाठी तो एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ तो इसमें आएगा अज्ञेय, अज्ञेय जी आएगा मैं क्यों लिखता हूँ। लखनवी अंदाज यशपाल, लखनवी अंदाज यशपाल है मित्रों, लखनवी अंदाज यशपाल है। और गद्य की जो प्रमुख विधा है वो है निबंध, गद्य की प्रमुख विधा निबंध है, ऐसे आपको याद रखना है। गद्य की प्रमुख विधा निबंध है, लखनवी अंदाज यशपाल है, बाकी सब सही है। देखिएगा अगला, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है तो क्रांति से की है, क्रांति से। रस के कितने अंग होते हैं तो चार अंग होते हैं, विभव अनुभव संचारी भाव और स्थायी भाव। गद्य की तीन गौण विधाएँ तो इसमें रेखाचित्र संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। समाज के कितने भेद होते हैं तो इसमें समाज के छह भेद होते हैं। एक अनारसो बीमार का अर्थ क्या है, वस्तु एक चाहने वाले अनेक। भोलानाथ के पिताजी गंगा में कितनी आटे गोलियां प्रवाहित करते थे तो 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। इसके बाद में और देखिएगा, आपको सत्य असत्य में बता रहा हूँ, पूरे सही सही। देखिए, मुख्य गायक के स्वर की जो चट्टान जैसे भारी गंभीर थे, ये बिल्कुल आपको सत्य बताना है। दोहा एक सममात्रिक छंद है, ये असत्य बताना है, असत्य। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा मित्र, बिल्कुल ये दोहा वाला तो असत्य है। आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया था तो ये सत्य बताएंगे। इसमें जो जीता ना जैसा कि उसे अजय कहते हैं, इस पर भी सत्य है। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं तो ये सत्य है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था तो ये भी आपका सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद में ये आपका पूरा प्रश्न जो मैंने आपको बताए थे, सारा का सारा छप चुका है, बिल्कुल 100% पूरा पेपर आया है। देख लीजिए आप भले वीडियो जाकर, तो जल्दी से जल्दी अपने मित्रों को बता दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का भी आपको बहुत जल्द मैं बताने वाला हूँ। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट देंगे हम आपको, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, गुरु जी वाहे।